अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नवाबी फूड। उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, अल्लाह मियां आपको खुश रखे। आज हम बनाने लगे हैं मलाई का मक्खन, जो खालस तरीके से बनता है वो आपको बताऊं। देखें जी, ये मेरे पास मलाई है, ये बाउल में मैंने रखी हुई है। ये फ्रीज़ की हुई थी मलाई, तो मैंने 3-4 घंटे से पहले से निकाल के इसको बाहर रख लिया है। आप भी डेली का दूध जो बॉयल होता है उसमें से मलाई निकलती है, तो वो उतार के एक बर्तन में रख लिया करें। मलाई जो है इसको फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में नहीं रखना, मैं आपको ये समझा रही हूँ, वरना आप जो मक्खन बनाएंगे उसमें से स्मेल आएगी, इसलिए आपने ऊपर ही फ्रीज करना है मलाई को, तो आपका मक्खन बहुत अच्छा बनेगा, खुशबूदार बनेगा। मक्खन बनाने के और भी तरीके हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी। वो रात को जो खट्टा लगा के बनाते हैं दही उसमें हल करके, तो वो दूध में इसको जमाया जाता है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। लेकिन आज मैं ऐसे ही आपको बता रही हूँ कि मलाई का सिंपल मक्खन बनाना, अगर आपको जल्दी है तो ऐसे भी बन सकता है। ये देखिए, मैं इसमें जग में मलाई डाल रही हूँ। मलाई मैंने इस जग में डाल दी थी, इसको ग्राइंड करना है। ये मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, ये नॉर्मल ठंडा पानी था, ज़्यादा ठंडा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मैं इसको ग्राइंड करने लगी हूँ। ये देखिए, मैंने चेक किया है, मक्खन हमारा जो इकट्ठा नहीं हो रहा था जैसे उसको इकट्ठा होना चाहिए, अभी मक्खन बना नहीं है। मलाई हमारी ज़्यादा ठंडी थी, पानी भी ठंडा था, तो वो इकट्ठा नहीं हुआ। अब इसमें मैं थोड़ा सा गर्म पानी डालूँगी। ये देखिए, थोड़ा सा गर्म पानी डाल लिया, अब फिर हम इसको चलाएँगे मशीन। ये देखें, मक्खन हमारा तैयार हो चुका है, मक्खन बन गया है। ये देखें आप, अब मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है, आप देख लें। ये देखें, मैंने मक्खन इस बर्तन में निकाल लिया था, वो जग से जो थी हमारी मलाई और मक्खन, वो मैंने इसमें डाल लिया था। अब ये देखें, मक्खन बन चुका है हमारा। ये देखें, ये आपने बड़े बर्तन में निकाल के थोड़ी देर ऐसे करेंगे ना, ऐसे हिलाएंगे तो ये इकट्ठा हो जाएगा। ये देखो कितना, अगर आपका मक्खन, आप देख रहे हैं कि ये आपका मक्खन इकट्ठा नहीं हो रहा, ऐसे मोटा मोटा सा नहीं बन रहा, पतला पतला है, तो आप इसमें या तो ठंडा पानी डाल दें थोड़ा सा, या फिर इसमें बर्फ़ डाल दें। जब ग्राइंड कर रहे होते हैं तो उस वक्त डाल दें, आपका मक्खन बिल्कुल इसी तरह बनेगा जैसे ये मेरा बन गया। ये देखें, अब मैं आपको निकाल लेते हैं इसको। ये देखें, अब इसको ऐसे निकाल लें। आप चम्मच से निकालना चाहते हैं तो चम्मच से निकाल लें। देखो कितना प्यारा बना है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। हमारा दूध खालस आता है गाँव से, तो इसका ये मक्खन है बिल्कुल खालस वाला है। खालस दूध की जो मक्खन होता है ना, उसकी चाय भी बनती है। जैसे ये देखें, मेरा अपना गला भी ख़राब है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊँगी कि मक्खन की चाय बना के ना सुबह सुबह आप पिए उसको, बिल्कुल सुबह सुबह नाश्ते से पहले, तो उसका बहुत फ़ायदा होता है। ये जो गले में खराश होती है, नज़ला ज़ुकाम, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वो भी मैं चाय आपको बनाना सिखाऊंगी कि मक्खन डाल के कैसे पी जाती है। ये देखें, मक्खन मैंने निकाल लिया है एक कटोरी में, कितने खूबसूरत तरीके से आपको नज़र आ रहा है। आपने भी ऐसे ही बनाना है, ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा। मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर किया करें। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।